सबसे पहले तो जिस प्रकार से इस कोरोना महामारी फैली, जिसने सब कुछ बदल के रख दिया है, तो अगर हम फिल्म की बात की जाए, बॉलीवुड की बात की जाए, कितना कुछ बदलाव आया है और आप किस प्रकार से इस लॉकडाउन के दौरान आपने अपना वक्त किस तरह से घर में रहकर किस प्रकार से आप बिता रही है? देखिए, कोरोना ने तो सब कुछ बदल दिया, पूरी दुनिया का माहौल ही बदल गया है। इनफैक्ट जो हम लोग एक साथ क्लोजनेस रखते थे एक दूसरे के साथ, मतलब अभी तो लगता है सबको डर लगने लगा इतना कि एवरीबडी वॉन्ट्स टू बी यू नो लिटिल अवे, डिस्टेंसिंग हो गई है। अभी ऑब्वियसली शूट्स तो पॉसिबल नहीं था, तो 3 महीने तो वैसे ही लॉकडाउन चल रहा था, अभी भी चल रहा है और बहुत ही रिस्ट्रिक्शंस के साथ शूटिंग शुरू हुई है। मेरी भी शूटिंग, जो मैं ये शो कर रही हूँ ये जादू है जिनका, उसकी शूटिंग शुरू हो गई है, लेकिन वहाँ पे भी बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस फॉलो कर रहे हैं। और इनफैक्ट इट इज़ सो फनी कि हम लोग जब जाते थे सेट पे तो कैसे हम लोग एक दूसरे को हग करते थे, मिलते थे, इतना अपनापन सा लगता था। अभी सब हेलो, नमस्ते, हेलो, लाइक यू नो दिस इज़ हाउ वी आर ग्रीटिंग ईच अदर। और सब मास्क लगाए हुए हैं, सेट पे जा रहे हैं तो मास्क लगा के एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, और बाकी सब ने पीपी किट पहनी हुई है। और यू नो इट इज़ दे आर ऑल्सो फाइंडिंग इट सो डिफिकल्ट टू वर्क, बिकॉज इतनी उनको स्वेटिंग होती है सेट पे, जब शॉट चालू है तो आप एसी कुछ लगा नहीं सकते, तो एवरीबडी इज पर्सपायरिंग बट दे आर वर्किंग बिकॉज दे ऑल हैव टू वर्क यू नो। और वहाँ पे सेट पे जो बाकी जो जैसे लाइटमैन है वो सब जो भी हैं, उन सबको सेट पे ही रखा गया, उनके रखने का इंतजाम किया ताकि वो कम्यूट नहीं करें, उनको दूर से आना पड़ता है और फिर आने जाने में एक तो बसेस भी नहीं चल रही हैं, ट्रेन्स भी नहीं चल रही हैं। सो दीज आर द थिंग्स दैट आई एम सीइंग। एंड मतलब रिस्ट्रिक्शंस के साथ सब शूटिंग तो शुरू हो गई है, लेकिन वो पहले जैसा तो डेफिनेटली नहीं है, जो हम मिस कर रहे हैं वो चीज़ों को। अभी कोई हम लोग सेट पे अगर कोई हमें स्पॉट बॉय अगर आके हमें कुछ चाय भी सर्व करते हैं, पहली बात है हम लोग सेट का तो कुछ भी यूज़ नहीं कर रहे हैं, कुछ भले ही सब कुछ हाइजीनिकली यू नो पैक्ड आ रहा है, लेकिन फिर भी लाइक यू नो वी आर ब्रिंगिंग आवर ओन फूड, और इनफैक्ट कप्स वगैरह हम लोग भी अपने लेकर जा रहे हैं, कोशिश करते हैं कि अपना ही कैटल में हम लोग अपना कॉफ़ी वगैरह खुद बना लें। और बाकी वैसे तो स्पॉट दादा वगैरह बहुत अच्छा केयर कर रहे हैं, हमेशा एक तो ग्लव्स में रहते हैं, वो सब पहन के रहते हैं और ऊपर से सैनिटाइज करते रहते हैं। सो दीज आर द थिंग्स दे आर टेकिंग केयर ऑफ, एंड आई जस्ट होप एंड प्रे कि दिस गेट्स ओवर सून, ताकि हम लोग नॉर्मल जिंदगी जी सकें।